रक्षक बने भक्षक, रखवाले बने लुटेरे, पुलिस ने लूटी 1 करोड़ की रकम। कर्नाटक के सोना व्यापारी सलीम कादरी के साथ मुंबई में लूट की ऐसी वारदात हुई जिसको सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। 18 दिसंबर को व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में मुंबई के जवेरी बाजार आया और अपना कलेक्शन कर जब वह बस में सवार होकर निकला तो ट्राम में पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों ने बस रोककर सलीम से 1 करोड़ रुपए की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित जब शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला लूट करने वाले कोई और नहीं बल्कि विभाग के ही पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में पुलिस उपनिरीक्षक पंकज रघुनाथ खेर, पुलिस नायक जनार्दन मान सिंगे, बलराज मारकंडे स्वामी, लक्ष्मण मारकंडे। हवाला की रकम लूटी थी 19 तारीख को और ये रकम 1 करोड़ रुपए की थी। इस घटना को लेकर वाशी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 395 के तहत ये मामला दर्ज था। अभी इस केस को सुलझाने में हम कामयाब हुए हैं। इनमें जो भी आरोपी है, कुल 9 आरोपी इसमें हैं, उनमें से 5 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और उनके पास से लगभग 38 लाख रुपए की रकम हमने अभी तक बरामद की है। जितने भी आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उनमें दो लोग हैं वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स, और एक जो है वो पुलिस नायक है, और तीनों भी जो पुलिस ऑफिसर्स और कर्मचारी है वो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। नवी मुंबई पुलिस के इस खुलासे से जहां खाकी की लाज बच गई, वहीं गिरफ्त में आए इन पुलिस कर्मियों की हरकत ने खाकी को वो दब्बा दिया।